हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ऐसे हिंदी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज फिर से हम लोग एक बार आपके सामने उपस्थित है, मैं ओमकार सर और सोनू सर लेकर के मेंटी वॉर का अगला सेशन। आप सभी लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा था लास्ट सेशन में। हम लोगों ने भी मजा किया, आप लोग ने भी मजा किया। वी हैव सीन सम टफ कॉम्पिटिशन एट द टॉप टॉप के 1, 2, 3, 4, 5 में एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था। कुछ कैंडिडेट्स में तो आप समझिए कि 100 का भी डिफरेंस नहीं था, 100 पॉइंट्स का भी डिफरेंस वहां पर नहीं मिला था। तो एक्सपेक्ट करेंगे उसी तरह का कुछ फाइट यहाँ पर भी रहेगा आप लोग का। हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। और आज के सेशन में हम लोग लेकर के आए हैं थर्मोडायनेमिक्स ओंकार सर के क्वेश्चंस, फ्लूड मैकेनिक्स सॉरी थर्मोडायनेमिक्स सोनू सर के क्वेश्चंस, फ्लूड मैकेनिक्स ओंकार सर के क्वेश्चंस और थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चंस मेरे रहेंगे। और आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, आपको तो बस अटेम्प्ट करना है किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से। तो आई होप कि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव होगा, आपको मजा आएगा। और जैसा कि कई स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था, वो वेट कर रहे थे इसका बहुत टाइम से कि बड़ा मजा आता है सर इसमें, अच्छा लगता है। तो इसीलिए कोशिश ये है कि बार बार इसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद में करते रहेंगे। इवन सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे खुद काफी मजा आता है इसमें, बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बैठ के तो अच्छा लगता है। क्या कहते हैं सर? So, प्यारे बच्चों चलो जल्दी से आ जाओ, फिर एक बार एक बहुत ही प्यारी लड़ाई हो रही है हम तीनों के बीच में। लोग वही है, स्टूडेंट्स थोड़े बहुत आगे पीछे कम ज्यादा होंगे, लेकिन सब्जेक्ट हाँ भैया सब्जेक्ट थोड़े चेंज कर दिए हमने। पिछले वाली जो मेंटी वॉर थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, प्रोडक्शन था और थ्योरी ऑफ मशीन थी। आज थ्योरी ऑफ मशीन है, नया सब्जेक्ट आ चुका है फ्लूइड मैकेनिक्स। और वन एंड ओनली जो सोनू सर हमारे माहिर है, पहचाने जाते जिसके लिए, वो है थर्मोडायनामिक्स। तो भैया आज की देखो मैदान थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मतलब मोहाली का अब जो सामना था थोड़ा वानखेड़ी में हो रहा है, बस बाकी लड़ाई तो लड़नी है और जीतनी है एट योर लेवल। हमको क्या सोनू सर एक बात बोलू जी सर, हमारे तो सर फॉर्मेलिटी यहाँ पे आने की, जीत का असली जो सिकंदर है बादशाह तो बैठा है वहां पे हरवीर सर, लगातार टीम मेंटी वॉर जीत चुके। पता नहीं कौन सी भी टीम ले लो, बच्चा किधर से भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जीताता है हरवीर सर। बट ऐसा ये नहीं सर, ये रिकॉर्ड हमको ब्रेक करना पड़ेगा भैया, हमको भी मुंह दिखाना है बच्चों को। सो बच्चों इस बार भैया थोड़ा हमारे पाले में जो आपके जो नॉलेज है हमारे तराजू में डाल दो और हमको जिता दो यार। मेरे और सोनू सर में से कोई भी जीत जाए तो थोड़ा बहुत हम इनको आगे फ्यूचर में टक्कर दे पाए। सो जोक्स अपार्ट डियर स्टूडेंट्स, चलो जल्दी से आ जाओ वॉर को, इस सेशन को अटेंड कर लो, फैला दो, बता दो सबको भैया कि ऐसे ऐसी चीज बायजूस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता है और जो एक्सपेरिमेंट होता है सक्सेसफुल होता है। यहाँ पे चीज ये है आप रिलैक्स होते हो इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा ब्रेन के काम को थोड़ा सा धीमा करते हो, लेकिन पढ़ाई तो भैया जारी है, रिलैक्सेशन हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, और क्या चाहिए भैया। मतलब टाइम जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्कोर को रैंक को ऊपर लाने के लिए है यहाँ पे यूज हो रहा है। क्या कहते हैं सोनू सर बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने, हरिवीर सर ने, दोनों ने आपने बता दी है। मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, हाँ इतना है कि इस बार सीक्वेंस चेंज कर देंगे, डेफिनेटली जो मेरे नंबर रहेंगे वो हरिवीर सर के हो जाएंगे इस बार, कि मैं जो फर्स्ट आप कह सकते हो कि 1 to J होगा वो मेरा रहेगा, उसके बाद में J to Q ओंकार सर का, और क्यू के बाद वाले जो नंबर रहेंगे आप जानबूझ के ऐसा मत सेट कर लेना, वो हरिवीर सर के रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो उसी के लिए, तो बहुत सारी बातें ना करते हुए चलिए डायरेक्टली हम टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या कहते हैं सर, स्टार्ट करना चाहिए? और हाँ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, आप लोग मैक्सिमम लोग यूट्यूब से जुड़ गए हो यहाँ पे सर, ऑलरेडी menti.com आपको बता देंगे सारा आइडिया, बट ज्यादातर जितना ज्यादा हो सके आप यहाँ पे आंसर मत लिखिएगा, जैसे इसी के बाद आपके साथ पीपीटी सर शेयर करेंगे, जो आपकी स्क्रीन शेयर करेंगे हरिवीर सर, बिल्कुल आप menti.com पे जाइए, कोड सर बता देंगे, मैं यहाँ पे कन्वे कर दूंगा, ओंकार सर कन्वे कर देंगे, जितना ज्यादा हो सके पहले क्वेश्चन से आप menti.com पे जाइए और डायरेक्टली आंसर दीजिए। तो सर आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में इन्वेस्ट करना चाहिए हमको। जी सर, लेकिन मेरा तो एक सजेशन था, ये सजेशन ये है कि इस बार हमें प्लान करना है, आई थिंक इट्स स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है कुछ। नहीं नहीं सर, इट्स फाइन, या फाइन, हमारे साइड से ओके है सर, कोई इशू नहीं है सर। ओके फाइन फाइन, थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट ये था कि इस बार मैंने ये सोचा था कि आज हम लोग टीम डिवाइड नहीं करते हैं, स्टूडेंट को कम्पीट करने देते हैं।
जो भी लेटर्स के डिवीजन हम लोग करते थे तो नो डाउट स्टूडेंट्स में कंपटीशन होता था, बट अभी थोड़ा हम लोग रिलैक्स रहते हैं, स्टूडेंट्स को फाइट करने देते हैं आपस में, क्या बोलते हैं आप? मतलब इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जीत रहा था बहुत टाइम से तो मुझे तो इशू नहीं है जैसा आप बोलेंगे आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, देखते क्या हो। तो मेरा तो एक सजेशन था कि आज स्टूडेंट को करने देते, हम लोग एकदम फ्री होके मजे लेते हैं, ठीक है? बढ़िया बढ़िया। सो सर एक बात तो मुझे सर जैसे कहनी पड़ेगी, स्टूडेंट बहुत सारे वॉचिंग यहाँ पे लाइव दिखा रहे, भैया लाइक तो करो, सिंक्रो नहीं हो रहा, वो जो लाइक का थंब है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लाइव देख रहे हैं वो थोड़ा बढ़ाओ यार, लाइक कर दो सेशन को, शेयर कर दो फटाफट से, और आ जाओ menti.com पे, आना है आपको यहाँ पे आंसर देने के लिए, यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं लिखना यूट्यूब के, सो मेंटी कोड लिख दो 8219436, डायरेक्ट मेंटी पे जाके लॉग इन कर दो और यहाँ पे ये आईडी डाल दो, आप सीधा इसमें आ जाओगे। Yes, come on guys. 8219436 is the Menti code. आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं mentimeter.com और वहां पर जाकर के इस कोड को डालेंगे और इमीडिएटली आप यहां पर आ जाएंगे, ठीक है? तो स्क्रीन मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, आप इसको देख पा रहे होंगे। थर्मोडायनेमिक्स, फूड मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद FM से स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन, देन थ्योरी ऑफ मशीन एंड देन TD का क्वेश्चंस रहेगा। इस ऑर्डर में क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। तो जो आपका सबसे पहले ज्वाइन करने के हिसाब से इंस्ट्रक्शन था, आप इस कोड को भी स्कैन कर सकते हो और आप ये कोड को यूज भी कर सकते हो। QR कोड से आना है, QR कोड से आइए, या फिर आपको ये कोड एंटर करना पड़ेगा 7 digits का, आप इस 7 digit कोड को यूज करके भी ज्वाइन कर सकते हो फटाफट। जितने बच्चे यहाँ पर YouTube पर लाइव दिख रहे हैं आप सभी को आकर के ज्वाइन करना चाहिए फटाफट। आप ज्वाइन करेंगे तो फिर हम जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे, ओके सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाइए और आई थिंक पहले क्वेश्चन पे चलना चाहिए सर, वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़ेंगे। फिर से हम आपको थोड़ा सा बेसिक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको यहाँ पे आंसर नहीं करने हैं, menti.com पे जाना है और menti.com पे जो ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में आप कोड देख रहे हो, सर ने ऑलरेडी आपको कोड दिया हुआ है 8219436 यूज करना है और डेफिनेटली आपका डायरेक्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी, वहां पे आंसर देना है। चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं सर, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो शायद पहले वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, देन वी विल क्लिक ऑन एंटर। बिल्कुल 8 लोग आ चुके हो, यूट्यूब पे आप मोर देन 14-15 हो और यहाँ पे 10 लोग आ चुके हैं, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, ऑलरेडी आप 10 लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हो। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि सर हम तो लेट ज्वाइन किए थे, राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओवरकम द टॉप परफॉर्मेंस। वहां पर लास्ट में आंसर लगभग सब लोग ही सही देते हैं, थोड़ा बहुत टाइम का आगे पीछे रहता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन मिस हो जाता है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ओवरटेक करने में। तो क्या बोलते हैं सर, 10 बच्चे हो गए, स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, फटाफट आंसर कर दो। द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ व्हिच द लिक्विड अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द इट्स डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड एज, नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? वेरी बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की, बताओ क्या बोलते हैं इसको? देखो शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है। और सर बिलैया, जंगली बिलैया नहीं दिखाई दे रहा? टोनी स्टार्क एज वेल, जंगली बिलैया, बीस्ट इनकार्नेट, दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग नेम्स जो आप देख सकते हैं। एंड जंगली बिलैया ऑफ कोर्स लाइक इट इज लाइक समवन वेरी मिस्टीरियस, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता ये कौन है। और सर ये जहांगीर, आपको इधर आके आंसर देना है, डोंट राइट आंसर देयर इन द चैट, या करेक्ट वो काउंट नहीं होगा। आप menti.com पे आ जाओ, ये कोड इस्तेमाल करो, सीधा आप यहां पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, फटाफट। काफी बच्चों ने सर आंसर ये तो सही दिया था, लेट्स सी नाउ।
मैकेनिज्म की बात हो रही है, दो टर्निंग पेयर हैं, दो स्लाइडिंग पेयर हैं, कौन सी मैकेनिज्म हो सकती है, डबल स्लाइडर क्रैंक, इलेप्टिकल ट्रैमल, स्कॉच योक या फिर ऑल ऑफ दीस? ओके, सो सेवन ऑफ देम वर एबल टू आंसर इट करेक्टली. इट शुड हैव बीन लाइक ऑल 10 एक्चुअली. दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन, बट स्टिल मतलब इससे आइडिया लगता है कि देखो आपको ये छोटे क्वेश्चंस में भी कुछ बच्चे ट्विस्ट खा जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है. इस पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है. लेट्स चेक द लीडर बोर्ड फर्स्ट. अभी आप देखते हैं तो टॉप टू की पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है. टोनी स्टार्क और विशाल ऊपर गए हैं. हैरी पॉटर आपका स्वागत है. अद्विक ने एंट्री तो ली है लेकिन ओपनिंग नहीं हुई है. ओके, तो लीडर बोर्ड तो सर सोनू सर को मतलब बहुत मजा आता है देखने में किस तरह से चेंज होता है. मैंने ऑब्जर्व किया है ये. बिल्कुल राइट राइट राइट. तो क्या बोलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? एब्सोल्युटली बिल्कुल सर. चलो भाई, थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन होगा ये, इस पे रेडी हो जाइए. थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन रहेगा और बिल्कुल इसमें सभी का सही आंसर आना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, आपको पहले कॉम्बिनेशन से ही पहचान लेना है. शायद थोड़ा टाइम जरूर कम पड़ेगा लेकिन एक दो पॉइंट ही आपको करेक्ट आंसर दे देंगे. सिर्फ चार लोगों ने आंसर दिया और चारों का आंसर सही था सर. टाइम यहाँ पे बिल्कुल इश्यू रहा है. राइट सर, जो बच्चों ने आंसर दिया है आई थिंक दे नो द थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन वेरी वेल. मतलब अगर आपने जैसे पहला और दूसरा ऑप्शन देखा तो उससे ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि आप किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आप सारा चेक करने जाओगे तो यू कैन सी द रिजल्ट. मतलब ये फर्क एग्जाम में भी रियल टाइम पड़ता ही है. करेक्ट, वेरी ट्रू. तो लीडर बोर्ड चेक करें सर. बिल्कुल बिल्कुल सर. बेस्ट अभी टॉप पे बना हुआ है. बहुत सही है. बीस्ट इनकार्नेट है और विनोद भी ऊपर आ रहे हैं और जंगल प्लेयर नीचे गए हमारे. सर पॉइंट होता है नंबर आप ही के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चलने लगते हैं. नहीं सर, अभी बार तो हम लोग उस तरह से डिवाइड कर नहीं रहे. अभी तो फिर बच्चों का देखना है हम लोग को. बिल्कुल बिल्कुल सर. हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. और जो बच्चे अभी लेट से आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी नंबर थोड़ा सा बड़ा है, जो लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं करें अभी तक, प्लीज मेंटीमीटर पर जाके आप www.menti.com पर जाइए. 8219436 कोड है जो कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी हम लोग ने डाल रखा है. आप उसको यूज करके फटाफट यहाँ मेंटी पर ज्वाइन करिए. ठीक है, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन ऑलरेडी निकल चुके हैं. वी आर ऑन फोर्थ क्वेश्चन नाउ. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैच अप. आइए फटाफट आइए, फटाफट आइए. When a body is placed over a liquid, it will sink down if. चलो भैया, कब ये सिंक होगी बॉडी लिक्विड के ऊपर रखी है? चलो चलो जल्दी से, हो गया टाइम अप. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. जब अफकोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स आपके थ्रस्ट जो अपवर्ड थ्रस्ट है बॉयंसी उससे ऊपर हो जाए तो डेफिनेटली बॉडी क्या होगी, सिंक डाउन होगी. दैट इज फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया. सी इज द करेक्ट आंसर. कितने लोग बोलते हैं सही जवाब? 9 लोग. चलो सर बताओ कौन कहां पे है जल्दी से. और सर यहाँ पे एक पॉइंट और देखने को मिल रहा है, अगर आप लीडर बोर्ड पे या अगर आप menti.com पे बैठे हुए हो तो आपको बहुत एक्टिव होके बैठना है. मतलब टाइम इतना कम दिया हुआ है कि अगर आप बहुत एक्टिव हो तभी और सिर्फ तभी आंसर दे पाओगे. ठीक है, ओके. सो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन सर. बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई. बेस्ट, अभी भी आप टॉप पे ही हो. इतने कम टाइम में आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ यू फोर. एटलीस्ट टॉप फोर के लिए तो बहुत अच्छा है. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखने वाली बात है कि भी है सर, टॉप फोर अगर आप देखते हो तो मतलब टॉप थ्री में तो स्कोर में अंतर है ही नहीं. टू और थ्री में एक नंबर का अंतर है, एक पॉइंट. बिल्कुल बिल्कुल सर, व्हाट आई कैन सी. और इसके अलावा भी आप देखो तो मतलब 102 नंबर का अंतर मेनली रहता है वन और टू के बीच में. तो इट्स अ गुड कॉम्पिटिशन एक्चुअली. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट. और ये आपका बैलेंसिंग से है थ्योरी ऑफ मशीन्स में. A rotor supported at A and B carries two masses as shown in the figure below. Now the rotor is, ये dynamically balanced है, statically balanced है,
डायनेमिकली एंड स्टैटिकली बोथ, या फिर बैलेंस ही नहीं? क्या आपको लगता है? फटाफट आंसर करिए। पांच बच्चों ने इसका आंसर सही किया। एक्चुअली ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं था, यू नीड नॉट टू गो फॉर सॉल्व, क्योंकि ये आपका वन ऑफ द बेसिक केसेस में से आता है। ओनली बाय ऑब्जर्वेशन यू कुड हैव टेल कि ये आपका बैलेंस है या नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, फोर्सेस बैलेंस है, कपल्स बैलेंस है, ऑब्जर्वेशन से देख के आप बता सकते थे। बट फिर भी पांच बच्चों ने आंसर किया है 45% ऑलमोस्ट, तो ठीक है। आप लीडर बोर्ड का पोजिशन देखते हैं फटाफट। तो नाउ जंगली बिलैया हैज स्कोर्ड, विशाल हैज स्कोर्ड, ग्रेट। नाउ यू कैन सी द चेंज इन लीडर बोर्ड। नाउ जंगली बिलैया इज डायरेक्टली बैक ऑन टॉप। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाओ, एक क्वेश्चन ने सर पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया, पूरा एक क्वेश्चन ने टॉप फोर पोजीशंस को चेंज कर दिया। एग्जैक्टली सर, राइट, वेरी नाइस। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मो का है, रेडी हो जाइए सब लोग, परेशान करेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 है। जहांगीर और टीटीवी टीटी ब्लॉग से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेंटी पर आइए और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप जो आंसर बेटा वहां दे रहे हो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, वहां पर वो काउंट नहीं होगा। आप आइए फटाफट menti.com पर, कोड आपको ऑलरेडी शेयर कर रखा है। आपको बताना है फ्रिक्शनलेस पिस्टन डिवाइस है जो 2 kg आपका इनिशियली टेम्परेचर दिया हुआ है, हीट सप्लाई की जाती है 600 केल्विन पे। तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ वर्क डन क्या होगी, राइट ना? यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्क डन बतानी है, व्हाट इज द वर्क डन प्रोड्यूस इन द बॉडी। सात बच्चों ने आंसर कर भी दिया, ऑलरेडी दिया हुआ है वर्क डन क्या होगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, आप एक लाइन में एक फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक एमसीपी डेल्टा टी विल बी द आंसर। सिर्फ दो लोगों ने सही आंसर दिया है, सीपी होगा ना कि सीवी। मैक्सिमम ने सीवी लिखा है, दैट इज द रीजन आंसर करेक्ट नहीं है। और शायद ये मुझे लगता है बिल्कुल आपका सर टर्निंग पॉइंट होगा ये क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ दो का सही है। क्या कहते हैं सर, लीडर बोर्ड पे चलते हैं डायरेक्टली? करेक्ट करेक्ट, जैसा कि सोनू सर ने बोला ये एकदम सही बात है। या वी कैन सी द चेंज अगेन। एग्जैक्टली, आर्चर सेकंड पे आ चुके होंगे, थर्ड पे, नॉट सेकंड। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल मेरे ख्याल से सर जे से क्यू में, सर जे तो जंगली बिल्ली इज नॉट फ्रॉम माय टीम टुडे। यस सर, बहुत बढ़िया है चेंज। मतलब खाली दो बच्चों ने सही जवाब दिया, बल्कि क्वेश्चन तो सर मेरे ख्याल से बहुत सिंपल था। सिंपल था सर, बट पॉइंट ये था कि ये जो आपका थर्मल के क्वेश्चन है, इन सब अप्लाइड वाले फॉर्मूलो को याद नहीं रखते हम, सिंपल याद रखते हैं पीडीवी। तो इसमें बस थोड़ा सा आगे इसको एक्सटेंड करना था। ये चीजें याद रखने वाली होती हैं अगर आप टाइम लिमिट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सर नेक्स्ट चलते हैं आगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज 7th क्वेश्चन आउट ऑफ 15, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। लो आ गया क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का। व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, इट ऑसिलेट्स। सीजी ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बायोंसी या मेटा सेंटर। बिल्कुल, यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऑसिलेट्स अपन को कितना सही आंसर दे रहे हैं सर, 9 से कम आपके करेक्ट आंसर दे ही नहीं रहे ऐसा लग रहा है। मतलब देयर वर मेनी क्वेश्चंस, बच्चों ने काफी अच्छा आंसर किया है ये, और ये इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं लगा मतलब मुझे तो। मतलब सर एक तो बात ये कि बच्चे अब थोड़ा बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि भैया कैसे क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं यहाँ पे सेट करते हो, राइट राइट, और क्या तैयारी करके आने। करंट अगर ट्रेंड देखें तो एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से ही आ रहे हैं सर, मतलब जैसा ये क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं। yes, जब आप पहले बार देख लेते हो क्वेश्चन को तब लगता है कि अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब आप पहली बार फेस करते हो तब समझ में आता है कि नहीं इतना आसान भी नहीं था, राइट। तो अब फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जो होगी थ्योरी ऑफ मशीन से। अच्छा उसके पहले लीडर बोर्ड भी तो देखना है, वापस से चेंज है क्या? बहुत ज्यादा चेंज है सर इस बार, तो टाइम का खेल होगा इस बार थोड़ा, टाइम का खेल है बिल्कुल सर। बट अगर आप देखो सर टॉप फोर हमारे 4000 के रेंज में है, और उसके बाद नीचे आप देखो 5, 6, 7 पोजीशन, तो उसमें 300 का भी अंतर नहीं है। तो 3, 1, 8, 3, 4, 8, 3, 2, 6, 4, वो काफी कम अंतर से गैप चल रहा है बच्चों का।
जो लोग भी बेटा अभी लेटेस्ट रीसेंट ज्वाइन किए हैं फटाफट menti.com पर आइए और 8219436 कोड को यूज करिए जो कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अभी हाफ क्वेश्चन आपका पार होने वाला है तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए थर्मोडायनेमिक्स से। सुनो सर, फंडामेंटल प्रॉब्लम आप कंफ्यूज हो गए, कोई दो ऑप्शन है, एक आंसर वेलोसिटी के लिए होता है और एक एक्सेलरेशन के लिए। लेट्स सी। ओके, 9 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है अब की बार, मेरा भी। ये बिल्कुल सही है कि एक्सेलरेशन जो हमारा मीन पोजिशन पे रहेगा वो हमारा जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम ये रहता है हमारा यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क लीडर बोर्ड पे नहीं आएगा क्योंकि बच्चों ने आंसर जल्दी दिया था और काफी बच्चों ने सही भी दिया है। तो टॉप पोजीशंस में चेंज शायद आएगा थोड़ा सा है सर, तो कोई खास तो नहीं, लेकिन हाँ गैप कम हुआ है, गैप बिल्कुल कम हुआ है और विनोद भी ऊपर आ गए थर्ड पोजिशन पे। विनोद थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं और के उसके नीचे हैं, आर्चर उसके नीचे हैं। कुछ बच्चे अभी भी जैसे आद्विक यू नीड टू कैच अप, वो बहुत टाइम से एकदम नीचे वाले पार्ट पे है। थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करो भाई, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मोडायनेमिक थोड़ा सा फिर से ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ कि थोड़ा सा परेशान करेगा, तो अटेंटिव होके बैठना और इसको जल्दी से सॉल्व करना, जितना जल्दी हो सके उसको रीड कर लेना क्वेश्चन को। अगर डेल क्यू बाई टी लेस देन जीरो हो, डेल क्यू ग्रेटर देन जीरो हो, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट पंप, इररिवर्सिबल हीट इंजन या फिर इररिवर्सिबल हीट पंप। बहुत सही आंसर है, डेल क्यू बाई टी लेस देन जीरो है, ये किसका पॉइंट है? नेक्स्ट आंसर इज वेरी गुड, 8 लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है इस बार, बिल्कुल मैक्सिमम ने सही आंसर दिया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर डिफरेंस दिखाई देगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट का कि आपने कितने कम टाइम में आंसर टिक किया है। सर करेक्ट सर, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब बच्चों ने जल्दी भी आंसर किया है, बिल्कुल जो आंसर आए थे वो जल्दी आए थे हमारे। देखते हैं अभी स्कोर में क्या फर्क आता है। वेस्ट अभी भी टॉप पे है, यस यू आर ऑन टॉप और आई थिंक काफी डिफरेंस आ चुका है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक में, अगर मैं गलत नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो काफी डिफरेंस है, इसको मेंटेन जरूर करके रखना है जो फर्स्ट थर्ड है, राइट। और टोनी स्टार्क एंड जेब्रा थोड़ा सा ऊपर आने की ट्राई करो, ऐसा नहीं है जी सर। तो जैसा हम ऊपर वाले रैंक को जितना इम्पोर्टेंस दे रहे उनके बारे में बात कर रहे सर, नीचे वालों को भी उतना ही मोटिवेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये भी हमारे योद्धा है, उनको भी कभी ना कभी जिताना है हमको। कमान आद्विक, सारस, टोनी, बहुत बढ़िया, आप भी काम करो, लेकिन भैया वो काम नतीजे तक नहीं जा रहा भैया, कहाँ पे कम पड़ रहे हो उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। नहीं सर, इसका थोड़ा जी सर, हाँ हाँ सर, उसका थोड़ा सा पॉइंट वही है कि आप जो उस साइड बैठे हो ना, आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना है। रीजन आप देख रहे हो टाइम अचानक से निकल जा रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन जल्दी से टाइम निकल जा रहा है, तो जितना अटेंटिव होकर बैठोगे जल्दी जितना फास्ट हो सके क्वेश्चन को रीड करिए। और ये जो आप अभी फिलहाल के एग्जाम आने वाले हैं, जैसे डीआरडीओ आप लिखने जा रहे हो, आप में से कोई एचपीसीएल लिखने जा रहे हो, नेक्स्ट मंथ में एसएससी आने वाला है, वो सारे क्वेश्चन ही टाइम लिमिट का खेल है सर। यस डेफिनेटली सर, मतलब जित एचपीसीएल का काम चल ही रहा है हमारा, एचपीसीएल की जो सीरीज है इग्नाइटर वो चली रही है, और ये मतलब मैं तो बोल रहा हूँ सर ये कलर रिहर्सल है, 53 सेकंड्स के अंदर जवाब देना है, हम तो 10-15 सेकंड आपको दे रहे हैं खाली, 30 सेकंड ले लो। बिल्कुल सर, सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, आपको हेल्प कर रही है आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फ्यूल मैकेनिक से, चलो जल्दी से ले लो। बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, कुछ कुछ वैसा सिनेरियो है। अगर यहाँ पर 15 सेकंड में आप क्वेश्चन आंसर करने का प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली एग्जाम में तुमको वो कंफर्टेबल लगेगा कि अरे मतलब यू आर यूज्ड टू थिंक सो फास्ट, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगी, वहां पे भी यहाँ पे भी, आप उसको कितनी जल्दी प्रोसेस कर पा रहे हो, क्योंकि पढ़ा सब में है वो कॉन्सेप्ट, आप कितना तेज प्रोसेस कर पा रहे हो, इट्स अबाउट दैट। तो वो वाला पार्ट के लिए ही हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं फटाफट, बी रेडी फॉर दिस। चलो, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन एन इमर्स बॉडी द सेंटर ऑफ प्रेशर
सो आपको पता है सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है भैया, द पॉइंट ऑन द वेटेड सरफेस जहां से आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पास होता है, कहां पे होता है वो पॉइंट जल्दी से बता दो, इन चार में से वो कहां पे होता है? ज्यादा लोग देंगे इसका आंसर, ओ चार लोगों ने गलत किया है सर, ये एक्सपेक्ट नहीं था मुझे सर, का स्टैंडर्ड 9 पे ग्रेविटी मिनिमम 9, यस इट इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर, सो राइट, वेरी वेरी बेसिक थिंग इन द हाइड्रोस्टैटिक्स। तो लीडर बोर्ड का पोजीशन देखते हैं सर। यस सर, यस टोनी स्टार्क इज कैचिंग अप नाउ, मूविंग ऑन टू फोर्थ लास्ट पोजीशन। तो जेब्रा और सारस ओवरटेक करके टोनी स्टार्क ऊपर आ रहे हैं और ये हमारे साथ पहले क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। तो टॉप टू में तो कोई चेंज नहीं है और विनोद और विशाल, विशाल ने भी काफी अच्छा जंप किया है, ये फोर्थ पोजीशन पे आ चुके हैं राइट। तो फटाफट मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11 आउट ऑफ 15, लेट अस स्टार्ट द काउंटडाउन, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। Now, this is from theory of machine. A spring-controlled governor is said to be unstable when the controlling force is. तो ये question आपका theory of machine controlling force diagram से है. Solve करने की जरूरत है नहीं. आपको ये या तो पता होगा या नहीं पता होगा. दो ही चीजें होती हैं इसमें. Great. सिर्फ तीन बच्चे इसका सही आंसर दे पाए हैं. ज्यादातर लोगों को लगा कि increases as the radius of rotation increases. But that is not the case. You need to go and check the controlling force diagram for spring-controlled governor. तो ठीक है, हम अब फटाफट मूव करते हैं हमारे लीडर बोर्ड पे. आई गेस इस बार तो चेंज मिलेगा. चेंज मिला है, टॉप टू पोजीशन में नहीं. ठीक है सर, बहुत अच्छा जंप दिखेगा यहाँ पे. वेरी गुड, नाइस. टॉप टू पोजीशन में भी मिला, सेकेंड से थर्ड पे मूव करके जंगली, और विनोद ने और ऊपर जंप किया है, ये सेकेंड पोजिशन पे पहुंचे हैं. सर ये तो बिल्कुल गलत है, आप चाहे पहले से नंबर लें चाहे लास्ट में अल्फाबेट लें, पता ही नहीं चल रहा है कि आप धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं. सर कनेक्शन बहुत तगड़ा है सर का. राइट सर, मेंटी.com सारे बच्चे मतलब फटाफट आ जाओ menti.com पे. यहाँ पर बच्चे कम दिख रहे हैं, YouTube पर ज्यादा हैं. YouTube पे ज्यादा है सर, बहुत है बच्चे भाई. menti.com पे ऊपर आ जाओ, यहाँ पे 10 ही दिखते हैं, यहाँ पे 18-20 दिखने चाहिए लोग. बिल्कुल, क्योंकि जवाब दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे आके. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक का है, रेडी हो जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप अटेंटिव होके बैठिए. आपको बताना है 100 वॉट हीट ट्रांसफर होती है हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, और यहां पे आपको बताना है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इररिवर्सिबिलिटी क्या होगा. इररिवर्सिबिलिटी की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये आपको बताना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल से फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लोगे कहां पे एंट्रोपी डिक्रीज होती है, कहां पे एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ओवरऑल एंट्रोपी का चेंज कितना होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आपका होता है क्या, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इररिवर्सिबिलिटी. यस, वेरी नाइस. मैक्सिमम लोगों ने आंसर भी किया है, आउट ऑफ 11 5 लोगों का आंसर बिल्कुल सही है. एब्सोल्युटली सही जा रहे हो. चलिए सर लीडर बोर्ड देखते हैं, इस क्वेश्चन ने काफी कुछ चेंज किया होगा. बिल्कुल सर, ये ज्यादातर बच्चों को 300 जूल क्यों लगा 5 के बाद में, अगर आप ये एक्सप्लेन करना चाहें. बिल्कुल सर, उसका रीजन ये होगा कि उन्होंने टेम्परेचर को बाद में मल्टीप्लाई नहीं किया है, दैट इज द रीजन. टेम्परेचर मल्टीप्लाई नहीं किया है इसीलिए वो सारी चीजें चेंज हो गई हैं. तो विनोद और विस्ट और जंगली में बहुत ही बड़ी फाइट है सर, साथ ही साथ जो नीचे हैरी पॉटर, जेब्रा और टोनी स्टार्क है, ये बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं सर. अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेट मी मतलब थोड़ा सा अगर इसको क्लियर करें तो थर्मोडायनेमिक का मतलब 30 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन था, जानबूझ के 30 सेकंड दिए गए थे कि आप इतना ज्यादा ये सब क्वेश्चन आए तो कैसे विद इन द लिमिट कर सको. और शायद जेब्रा ने सबसे फास्ट सॉल्व किया है इसको, सर जेब्रा ने फास्टेस्ट लिखा हुआ है उस पे, जेब्रा ने जो ऊपर आया. एक्चुअली अगर 5 बच्चे कर सकते हैं तो इसका मतलब बाकी बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं. यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड, वो एक अच्छा तरीका होता है लर्न करने का इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन से. तो
मेरे हिसाब से सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए हमें. बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 13 है. लेट स्टार्ट द काउंटडाउन. In order that flow takes place between the two points in the pipeline, the differential pressure between these points must be more than. पाइप में एक पॉइंट की जगह से दूसरी पॉइंट पे फ्लो अगर होना है फ्लूड को, तो बताओ क्या होना चाहिए. फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मतलब इनसे ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल प्रेशर है ज्यादा होना चाहिए. सभी सभी से, ऑल ऑफ द अबव. यस, बहुत सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन. वेरी गुड भैया, खाली पांच लोग ही लेकिन इसका सही जवाब दे पाए. पांच लोगों ने गलत दिया है सर. सो पांच आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. हम वी आर टूवर्ड द एंड ऑफ दिस मेंटी वॉर. एक कभी कभी ज्यादा आसान क्वेश्चन मिलता है ना सर स्टूडेंट को, तो उसमें भी कंफ्यूज आते हैं. ये तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ ट्रिक है, मतलब ट्रिक हो जाते हैं स्टूडेंट कभी कभी आसान क्वेश्चन में भी. तो लीडर बोर्ड देखते हैं सर. बिल्कुल सर. ऑल्टरनेट नंबर पे पीपल आर कैचिंग अप. इस बार का जो रिजल्ट था वो कुछ वैसा था. तो आप टू और थ्री पोजीशन को देखोगे तो वापस से चेंज हो चुकी है, और टॉप वन और टू में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बचा है. इट्स लाइक वेरी एक्जेक्टली एक क्वेश्चन का ही डिफरेंस है सर. बिल्कुल. और यहाँ पे मतलब आपको मैक्सिमम टाइम ये दिखेगा कि चीजें लीडर बोर्ड मतलब कैसे चेंज होता है, और यही सारी कंडीशन आपकी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी सर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. थियरी ऑफ मशीन में हरिवीर सर का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन. The critical speed of a shaft depends upon its. अब सभी ने पढ़ा होगा critical speed vibrations में. Mass पे depend करती है, stiffness पे, mass and stiffness दोनों पे, या फिर stiffness and eccentricity पे, जो E लेते हो आप. आसान question है लेकिन, let's see आप में से कितने लोग इसका correct answer दे पाते हैं. 7 बच्चों ने correct दिया है और 4 ने stiffness and eccentricity. वो eccentricity से you got confused. जब आप एक्सप्रेशन निकालते हो क्रिटिकल स्पीड के लिए तो वो आसानी से मास और स्टिफनेस जो है वो मैटर करता है. चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं फटाफट. एज यू कैन सी द फर्स्ट टू कैंडिडेट्स अगेन दे गॉट चेंज. यस, इनफैक्ट टॉपर थे वो थर्ड नंबर पे आ गए. बीस्ट इनकार्नेट इस क्वेश्चन में डिफरेंस डाला है. सर एक और भी पॉइंट है, मतलब अगर हम लास्ट थ्री मेंटी का देखेंगे तो जो जंगली बिलैया है वो चाहे पहले स्टार्टिंग से कहीं भी रहे बट लास्ट आते आते वो टॉप पे दिख जाता है. और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका थर्मोडायनेमिक का जो शायद आपको डिफरेंस बता देगा. बिल्कुल ओके. बिल्कुल बिल्कुल सर. नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये शायद आप में डिफरेंस बनाएगा. नेक्स्ट एंटर करते हैं और स्टार्ट करते हैं सर. ये रहा, ये आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ द मोस्ट एयर किस फॉर्मूले से दी जाती है. मोस्ट एयर की एंथैल्पी आप किस फॉर्मूले से देते हो, ये आंसर है. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपकी जो एंथैल्पी है मोस्ट एयर की, मतलब एंथैल्पी ऑफ द ड्राई एयर एंड एंथैल्पी ऑफ द वॉटर वेपर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, उसकी जो टोटल एंथैल्पी है उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला सही है, सेकेंड फॉर्मूला सही है, थर्ड फॉर्मूला सही है या फोर्थ फॉर्मूला सही है. डेफिनेटली विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे. आप यहां पे जरा जल्दी से आंसर बता दीजिए. यस ओके. सिर्फ दो का आंसर सही था. ऑल ऑफ अबव सबसे बड़ा मतलब माइंडसेट ऐसे हो जाता है इंजीनियर्स का कि जहां पे ऑल ऑफ अबव दिखे आंसर वही होगा. ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं है, राइट ना. तो सिर्फ दो लोगों ने आंसर दिया है एंड आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे आंसर चेंज होगा. और अगर अब आपको लीडर बोर्ड देखना है menti.com से जितने भी उस साइड लोग बैठे हुए हैं वापस इधर आ जाएंगे यूट्यूब पे और आप गैस करिए कौन टॉपर होगा. जस्ट गैस फर्स्ट, कमेंट सेक्शन में लिखिए लक्ष्मीकांत टीवी ब्लॉग ऑल ऑफ यू जंगली बिलैया अगर यहाँ पे हो यूट्यूब पे तो कौन आप में से टॉपर निकल सकता है लास्ट आते आते. जस्ट कैन यू राइट इन द कमेंट सेक्शन. Yes, 20, all of you, you are there. Anyone, Lakshmikant, क्या आपको लग रहा है कौन टॉपर होगा?
तीन नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक तो विस्ट है, एक के है, एक विनोद है और एक है जंगली भलैया। ये चार नाम आ रहे थे सर, क्या लग रहा है, कौन सा नाम आपको लग रहा है? Because I am very, एक पॉइंट सर मैं आपको कहूंगा इस क्वेश्चन में, मैं श्योर हूं कि इसमें मैक्सिमम के आंसर गलत हो रहे होंगे टॉप फोर के। अच्छा, क्या कहते हैं सर? नहीं, मैं तो सर मान रहा हूँ कि टॉप फोर जो है वो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। टुडे आई वांट टू विन। तो आई थिंक सर लीडर बोर्ड बिल्कुल अब दिखाया जाए, कोई सस्पेंस नहीं बताया जाए। चलिए, तो भाई जल्दी से, बहुत सारे लोग हैं चैट बॉक्स में, थोड़ी यार हलचल मचा दो वहां पे, बता दो। और फाइनली फाइनली सर रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट मेंटी वॉर वोन बाय ओमकार सर। सर 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 ए टू जे, जे से क्यू सर मेरा था। यही होगा कि लास्ट ईयर जाके गेट में रैंक आ रही है तो पता ही नहीं चलेगा कि जंगली भलैया था कौन। दिस इज द फोर्थ मेंटी वॉर सर एंड स्टिल वी आर नॉट नोइंग हिज रियल नेम। एग्जैक्टली, दिस इज रिक्वेस्ट जंगली भलैया, सो व्हाट इज योर नेम प्लीज राइट देयर इन द कमेंट बॉक्स। कल का 2023 का टॉपर सर यही से निकले। एग्जैक्टली सर, 2023 का टॉपर या जो भी एग्जाम आने वाले हैं, हो सकता है उसका टॉपर यहीं पे कोई बैठा हो आप में से, तो आप एटलीस्ट अपने ओरिजिनल नाम तो बताओ। यस, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। लक्ष्मीकांत ही है सर? नहीं, वो नहीं है सर, वो तो ज्वाइन ही अभी किया है। लक्ष्मीकांत नहीं है, जंगली भलैया। इसलिए गेस किया है कि टॉपर का नाम ये रहेगा। कांग्रेचुलेशन। पीपल विल फाइंड द नेम आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। किसी को हम बताते हैं कि जंगली भलैया, तो इट्स लाइक सबसे पहले उनको हंसी आती है कि ओके ऐसा भी नाम है, तो काफी इनोवेटिव से सोच है। और लेकिन पढ़ाई अच्छी चल रही है इनकी, ज्यादातर सेशंस में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एक बार नहीं जीत पाए लेकिन बाकी तीन बार ये जीते हैं, तो इट्स लाइक अच्छा चल रहा है इनका, मतलब प्रिपरेशन आई गेस की बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर कभी मौका मिला इनसे बात करने का किसी को, तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू शेयर इनका जो प्रोसेस है, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो चीजें दूसरे बच्चों के साथ में भी। और सर मतलब ये, अब मैं तो ये भी समझ रहा हूँ कि जो भी अपनी कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी है स्टडी करने की, मतलब ये तो पहले कभी हमने किया नहीं था, लेकिन ये जैसे बायजूस एग्जाम्पल हम नए से कुछ चीजें लेके आ रहे हो, मतलब कुछ ऐसा नया अटेम्प्ट करने के लिए क्यों ना हो, बच्चा थोड़ा बहुत भैया ट्राई कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके ही फेवर में जा रही चीज है। सो दिस इज अगेन द गुड थिंग दैट थोड़ा कन्वेंशनल से हटके कोई एडवांस कुछ नया चीज जो करने जा रहे हो, सो कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुलनेस ही देने वाला है और अल्टीमेटली मजा भी दे रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग आउट ऑफ जितने भी हमने मेंटी वर्क किए हैं, कि कुछ अप्रोच जो है सर डेफिनेटली चेंज हुआ है टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, टुवर्ड्स द प्रिपरेशन, कि जहां पे अब बंदा एक्यूरेसी और टाइम इन दोनों को बहुत ही संतुलित तरीके से आगे लेके जा रहा है। क्यों सर? बिल्कुल सर, और इसके बाद आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट कहा, और इसके बाद आप जो हम नेक्स्ट सेशन लेके आए, आप थोड़े से अपने आइडिया भी यहाँ पे रख देना कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आप मेंटी वॉर चाहते हो। तीन सब्जेक्ट होने चाहिए, तीन से ज्यादा, तीन से कम बिल्कुल, या फिर क्वेश्चन और ज्यादा होने चाहिए, राइट ना? तो डेफिनेटली आप अभी या फिर बाद में कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, राइट? तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया मैक्सिमम ने, जो बाद में स्पेशली लेट ज्वाइन किए। Yes, जो बाद में आप लेट ज्वाइन किए उन्होंने भी, जैसे टोनी स्टार्क थे आप लेट आए, या फिर आप जेब्रा थे आप लेट आए, लेकिन आपने बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। तो आई थिंक मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो गई, और जाते जाते यार लाइक कर देना सेशन को, ठीक है? और अगर चैनल से जुड़े हुए नहीं हो, अपना चेहरा दिखा दे और लेट अस से बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। सर एक चीज यहाँ पर ऐड करूंगा, जैसे जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं जंगली भलैया, तो मतलब हर बार ही रहते हैं, कि एक नया इस बार कैंडिडेट था बीस्ट इनकार्नेट भी ने बहुत अच्छा किया, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे टॉप पे रहते, इट इज वेरी नेक टू नेक। विनोद और विशाल ने भी काफी अच्छा कवरअप किया है, विशाल ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, बट स्टिल आप देखो अगर अब तो टॉप 4-5 पोजिशन पे ये लोग हैं। बाकी लोग जो जेब्रा, सारस, आर्चर, टोनी स्टार्क हैं, आपको अगली बार टाइम से आना है और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो अभी के लिए यहाँ पर मेंटी का पार्ट जो है वो खत्म होता है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो भाई हम अपने एंड से क्वेश्चंस आपको उस लेवल के दे सकते हैं, लेकिन उसका जो कस्टमाइजेशन करना है वो स्टूडेंट्स हमें सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं,
तो आपके पास हमारा कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप इसको ओपन करके यहाँ पर कमेंट डाल सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो जो भी आपका सजेशन है। जैसे सोनू सर ने बोला कि आपको क्वेश्चन ज्यादा चाहिए या सब्जेक्ट ज्यादा चाहिए या कौन से सब्जेक्ट चाहिए, कोई स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, टाइम थोड़ा आप और देना चाहते हो, उस तरह के क्वेश्चन चाहिए, कैलकुलेशन के साथ चाहिए, बिना कैलकुलेशन के चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग मेंटी पर क्वेश्चन देते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। लेकिन अगर आपको गेट के हिसाब से चाहिए है तो हम वहाँ पर टाइम बढ़ा भी सकते हैं सर, हम 1.5 मिनट का टाइम दे सकते हैं, 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं, कम टाइम के लिए कुछ क्वेश्चंस लेंगे अगर स्टूडेंट चाहेंगे तो। ये कस्टमाइजेशन हम लोग आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल करेंगे। मतलब सर दूर की मतलब ज्यादा सोचने से अच्छा है, तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना हम अब नेक्स्ट टाइम जब आए तो हमारे जो हम एक एक सब्जेक्ट लेके आ रहे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो 3 की जगह चलो 6 लाते हैं, आगे आगे जाते जाते 10 लाएंगे, पूरा सिलेबस मैकेनिकल का आउट ऑफ दैट सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट आपका वहां से अगर रिस्पांस सही से आ रहा है तो हमको करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, सब्जेक्ट बढ़ाएंगे, क्वेश्चन बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ाएंगे, तो वी आर हियर, जस्ट आप वहां पे कमेंट करके बता दो आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। क्योंकि कहां किस एरिया में आप वीक हो उसका आइडिया आपको ही है, हम जो हैं आप अगर नहीं भी कहोगे तो जनरल जो सेशन चल रहे हैं वो आते रहेंगे, लेकिन आपके आपके अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लोग वीक हो तो आपको उसका आइडिया होगा, तो उसके ज्यादा क्वेश्चन सके जा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो बट आपको देखिए उस साइड से बैठ के तैयारी आप ही को करनी है, और ये जिस भी सेशन में आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन किया और उनको छोड़ दिया, जितने भी क्वेश्चन है आपसे आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते हैं इट इज ऑल्सो ओके, लेकिन उन क्वेश्चंस को अपने पास रखिए जरूर, हो सकता है 1-2 मंथ के बाद जब आप रिविजन करने आओ वही क्वेश्चंस को आप ट्राई करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए, राइट। संतोष पाल कह रहे कि कैजुअल लैंग्वेज, भैया कैजुअल लैंग्वेज नहीं है, आप अगर जाके देखो पीएसयू के क्वेश्चंस वगैरह कुछ ऐसे मतलब नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन होते इसी ग्राउंड के ऊपर, राइट। अगर हम करना चाहे तो बहुत कुछ तोड़ मरोड़ के बना सकते भैया, लेकिन वो हमको 30 सेकंड में आपको जो मतलब हमको निकालना है 30 सेकंड में आपसे वही निकालना चाहते भैया, अननेसेसरी हम ट्रबल में नहीं डालना चाहते। मतलब वही है कि अभी जस्ट आप ये मान के चलो कि जस्ट स्टार्टिंग है, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है ना, स्ट्रेस धीरे धीरे अपन को बढ़ाना है, राइट ना संतोष। तो अभी सिंपल लेवल के करो, इसी को एक लेवल आगे लेके जाएंगे, फिर डेफिनेटली हो सकता है इसी सेशन में इन्हीं मेंटी में पता चले 1 मंथ के बाद आप 3-3 मिनट वाले भी जो गेट के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर रहे हो, तो इस प्रेशर को अगर एक बार में बढ़ा दोगे डिप्रेशन में आके गेट ही छोड़ दोगे, राइट ना, तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जरूर जरूर, अब संतोष की बात सर याद रखेंगे और दिन देखेंगे कि कितने कैसे परफॉर्म कर रहे हो आप। इसमें एक चीज और भी है, आपको लग सकता है कि क्वेश्चंस थोड़े कैजुअल हैं, मतलब मेंटीमीटर पर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट होता है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम बहुत लेंथी नहीं रख सकते हैं, तो कई बार क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए कि विद इन द गिवन वर्ड लिमिट के अंदर वो क्वेश्चन हमारा आ जाए तो लैंग्वेज चेंज भी करनी पड़ती है। कुछ क्वेश्चंस जो लंबे होते हैं, जैसे 1000 वॉट लिखा हुआ था तो इसको 1 किलो वॉट करने से हमारा थोड़ा स्पेस कम होता है, तो इस तरह से चेंजेस कुछ जगह पे हम करते हैं, वो मतलब कंस्टेंट है हमारे पास। बट क्वेश्चंस का जो लेवल है वो जैसा कि ओंकार सर ने बताया आपको ऑलरेडी, वो बिल्कुल वही मैच करता है जो पीएसयूएस वगैरह में पूछते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि सेशन मतलब अच्छा रहा था, आप लोग ने इसको एंजॉय किया होगा थोड़ा। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारा टाइम मतलब 10:45 से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 45 मिनट हमारे होने वाले हैं, लेकिन इन 45 मिनट्स में बहुत मजा किया, क्वेश्चंस देखे, स्टूडेंट के रिस्पांस देखे, अच्छे क्वेश्चंस पे स्ट्रगल करते हुए देखा, आसान क्वेश्चन पे कई बच्चों ने सही आंसर दिए, कई बच्चों ने गलत भी आंसर्स दिए, तो आप लर्निंग लीजिए यहाँ से, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप आसान क्वेश्चन को नहीं कर पाए या आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, आपको आता था स्पीड अप, यू विल रॉक नेक्स्ट टाइम, I'm pretty sure अबाउट इट। मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से जब भी सेशन लेंगे तो जो भी बच्चे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इम्प्रूव करके आएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरे हिसाब से अब सेशन को एंड करने का टाइम है सर। बिल्कुल सर। सर आपकी क्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी हो नेक्स्ट क्लास के बारे में तो अभी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, और इसमें देखिए अभी आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन शायद मैक्सिमम को मिल गई होगी कि अब वो टाइम आ गया है, गेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आ चुका है, सारी डेट्स आपके साथ आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट 15 दिन के बाद ये मत कहना कि सर अगस्त से तैयारी करें तो क्या 80 मार्क्स आ जाएंगे, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, और आप यकीन करो ये क्वेश्चन आप नवम्बर तक पूछोगे,
आपने आपके फ्रेंड, तो वही है, सारी चीजें ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी हैं, हो सकता है पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे सारे, बट अब आप जाग जाओ। अब अगर लेट करोगे तो शायद एक महीने बाद अगर यही क्वेश्चन कर रहे होगे कि सर कितने आर दें, 80 मार्क्स ले आए, कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि दो महीने में 80 मार्क्स ले आओगे, अगर आप जीरो लेवल पे हो दो तीन महीने में नहीं आते। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, ऑलरेडी आपके 60-70% सिलेबस आप कवर कर चुके हो सकता है उस टाइम पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत हो, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि 30 दिन में गेट क्रैक करना शायद सीख सकते हो, लेकिन स्कोर करना ऐसा नहीं कि कोई किताब है कि 30 दिन में ऐसे पढ़ना सीखो, राइट ना। तो परफेक्ट आपके पास टाइम है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग करिए। ऑलरेडी आपको 10:45 पे डेली आपका प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल ओमकार सर का सेशन है, सुबह एचपीसीएल का भी है। एचपीसीएल का सर 29 तारीख को मैं कास्टिंग एंड वेल्डिंग के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, 50 क्वेश्चंस, बढ़िया से करेंगे प्रैक्टिस, टाइम फ्रेम में, लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो कि रिक्वायरमेंट है उसी तरह मैक्सिमम करेंगे क्वेश्चंस आल्सो। डू जॉइन मी 29 जुलाई को। और जैसे कि सुनो सर ने कहा कि समय अभी भी गया नहीं है, ये चीज हम जब तक ये अगस्त की एक तारीख आ रही है तब तक ही कहेंगे भैया, उसके बाद कोई नहीं कहेगा कि भैया ये 5 महीने 3 महीने पढ़ो और सिंगल डिजिट आएगी 80+ आएगा। लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक बहुत ही फर्म स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम जाएंगे, जैसा कि कुछ ना कुछ बेस आपका रेडी है, देन यस डेफिनेटली वी कैन थिंक फॉर गेटिंग अ गुड रैंक विद इन द लैपटॉप टाइम पीरियड। सो यस, 29 जुलाई का मैं आ रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन सुबह 11 बजे अपनी इग्नाइटर सीरीज एचपीसीएल की। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, अब इसी के साथ हम सभी लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे। अभी 11 बजे का टाइम अपना मार्क करके रखो, ओंकार सर की जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है 29 को इग्नाइटर सीरीज, उसमें आपसे मुलाकात होगी सर की, और बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी के लिए फिर हम लोग सर सेशन को एंड करते हैं। इट वाज गुड एक्चुअली, इट वाज वेरी गुड सेशन। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद।